ये आपका रिजॉर्विन किट टीबी के लिए बहुत अच्छा है, सबके लिए सूट होता है। लेकिन जब भी पेशेंट लेते हैं तो सर कभी कभी पेशेंट को एसिडिटी होता है, इसलिए हर एक पेशेंट को एटलीस्ट उनको स्पाइसी फूड नहीं देना चाहिए। और टीबी का पेशेंट का भूख कम हो जाता है, भूख कम होता है इसलिए उसको खाना कम जाता है, इसलिए वेट लॉस होते रहता है। इसीलिए भूख बढ़ाने के लिए उसके साथ सप्लीमेंट्री विटामिन्स एंटीऑक्सीडेंट भी देना पड़ता है। और कभी कभी ड्रग नोसिया होता है, तो जो मरमर होता है पेशेंट होता है उसके लिए एंटीएमेटिक भी देना पड़ता है। तो कोई कोई पेशेंट ऐसा 2 या 3 टक्का पेशेंट को ये प्रॉब्लम होते रहता है। तो जनरली ये रिजर्वन किट से बहुत कम होता है, तो भी ये ड्रॉबैक इतना है कि कैडिला का उन्होंने पेडियाट्रिक के ग्रुप में ऐसा कुछ दवाई नहीं बनाया कि पेडियाट्रिक ग्रुप में या ग्रैनुल्स या कुछ ऐसा दे या छोटा गोली दे दे, ये कैडिला का एक ड्रॉबैक है। क्योंकि टीबी ये सब पेशेंट को होता है, बच्चे से लेके जेरियाट्रिक ग्रुप तक होता है। तो इसीलिए बच्चे का भी दवाई के बारे में सोचना चाहिए। आज तक तो नियर अबाउट 5% बच्चे का ग्रुप भी मिलता, कांटेक्ट केसेस रहते हैं, इसलिए उनको प्रोफिलेक्टिक देना पड़ता है। तो समझ ले कि कैडिला बहुत अच्छा काम कर रही है टीवी के लिए, लेकिन बच्चे के लिए काम नहीं कर रही ज्यादा, इसलिए तो उसके लिए भी ध्यान देना चाहिए। हाँ।